मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ से जो यादें सब समेट कर जा रहे हैं, अगले साल फिर वापस आइएगा नवंबर 20th से 28th तक, क्योंकि इफ़ी जैसे इस साल पहले से बेहतर हुआ, अगले साल आपकी फीडबैक लेने के बाद, आपके जो सुझाव होंगे उनको लेने के बाद, हम इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर इस बार OTT प्लेटफॉर्म्स को आकर एक नई शुरुआत की है, जहाँ एक और 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को ये प्लेटफॉर्म देकर एक नई शुरुआत की है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बड़े नामों को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर भारतीय सिनेमा के आइकॉन्स को सम्मानित करने से लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, मैं यही कहूँगा, जहाँ एक और मोदी सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं फिल्म जगत में जिन्होंने न केवल जनजातीय क्षेत्र में जाकर बल्कि वहाँ की बोली को सीखकर भी पिक्चर बनाने का काम किया है। ये अपने आप में अद्भुत है। ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास है। अगर असम में हुआ है तो मुझे लगता है देश के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है। ऐसे हमने प्रयास किए हैं कि अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में जो बना है उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि लोग उनको देखें भी, सराहें भी और याद के रूप में लेकर जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दूसरी बार मैं यहाँ आ रही हूँ और यहाँ पे हमेशा इन 8 दिनों में इतने सारी फिल्में देखने मिलती हैं लोगों को, इतने सारे जो क्रिएटिव लोग हैं वो एक साथ आते हैं और अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।